ये आपके सामने जो गाड़ी खड़ी है वो है BYD की E-MAX 7। जी हाँ, ये इलेक्ट्रिक गाड़ी है, 6 और 7 सीटर के लेआउट के अंदर आती है। वॉक अराउंड आपने देख लिया होगा, आज मैं इसका वॉक अराउंड नहीं दूंगा, इसका ड्राइव इंप्रेशन दूंगा कि इस गाड़ी के अंदर आपको कितनी रेंज मिलती है, गाड़ी चलाने में कैसी है, सस्पेंशन कैसा है, गाड़ी के जो एडस फीचर है, जो 11 से ऊपर एडस फीचर है, वो आपको कैसे काम करते हैं और कितने काम के हैं, ये इंडियन रोड कंडीशन के अंदर बताएंगे इसके अंदर। और चलते हैं इस गाड़ी के अंदर सादा बात करते हुए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल कुमार, आप देख रहे हैं आपका अपने कार इन टॉक। चलिए करते हैं इस गाड़ी को ड्राइव और बताते हैं आपको इस गाड़ी के अंदर आपको क्या मिलता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चाहते हैं इस गाड़ी को खरीदना यानी BYD के कोई भी प्रोडक्ट को खरीदना, तो बिल्कुल कॉन्टैक्ट कीजिए BYD लैंडमार्क नोएडा और दिल्ली। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जा सकते हैं, गाड़ी की सर्विस भी करा सकते हैं और अपना बना सकते हैं। सो हेलो नमस्कार, केम टू दोस्तों, मेरे होस्ट दोस्त विमल कुमार एंड दिस इज BYD E7 Max, जो कि आपकी इंडिया की जो पहली MUV है, जो आपकी इलेक्ट्रिक MUV है, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। उसको हम चला रहे सुबह से 250 किलोमीटर के आसपास चल चुके हैं, बट अब बात करते हैं इसके ड्राइविंग पेशन की। 250 किलोमीटर से ऊपर गाड़ी चल चुकी है कंबाइंडली, और यहाँ पे आप देखेंगे तो बात करेंगे इस गाड़ी के बारे में, इसके अंदर जो ड्राइवेबिलिटी, इसकी विजिबिलिटी, सब चीज के बारे में बात करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके एर्गोनॉमिक्स की। एर्गोनॉमिकली अगर आप गाड़ी देखेंगे तो देखिए, मेरे जो एक स्टेयरिंग है लेदर रैप्ड है, ये नीचे फ्लैट बॉटम का सा दिया हुआ है, बटन सारे मेरे रीच के अंदर है। चाहे मुझे म्यूजिक सिस्टम यूज करना हो, चाहे मुझे AC वेंट को यूज करना हो, चाहे मुझे किसी AC पैनल को, मतलब कि सेंटर पैनल को यूज करना हो, कोई इशू नहीं आता। IRVM भी मेरी पहुंच में है। यहाँ पे देखें तो एक एक बटन मेरी पहुंच के अंदर है। कुछ ऐसा कि मैं आगे जा के उछल उछल के मैं गाड़ी को कंट्रोल कर रहा हूँ, जो बटन से उनको यूज कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है। विजिबिलिटी की बात कर लेते हैं यहाँ पर, अगर उनसे बात हुई तो यहाँ पर देखिए सामने दो क्वार्टर ग्लास देखिए, विजिबिलिटी बहुत बड़ी है। 4.7 मीटर की गाड़ी है ये आपकी। जी हाँ, 4.7 मीटर, कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो जो अर्टिगा है, XL6 है, इनोवा, उसके टक्कर से भी ऊपर की है, इसके अंदर डायमेंशन दे रखा है, तो उसके हिसाब से आप देखेंगे तो थोड़ा सा आप इसको चलाएंगे गाड़ी को तो कहीं ट्रैफिक के अंदर, जैसे हम अभी डेंस ट्रैफिक में चला रहे थे, कोई इशू नहीं आया इसको, यू टर्न काटने में कहीं पे भी कोई इशू नहीं आया। विजिबिलिटी नो डाउट काफी अच्छी है। ORVM अगर देखेंगे आप, डिसेंट साइज के हैं और काम भी अच्छा कर रहे हैं, आपको ऐसा कुछ लगेंगे गाड़ी थोड़ी दूर है, पास है, ऐसा कोई इशू नहीं आएगा। IRVM देखेंगे, ऑटोमेटिक डे नाइट मिरर दे रखा है, जो अपना काम काफी अच्छा कर रहा है। बट यहाँ पर आप देखेंगे तो थोड़ा सा मुझे ग्लास स्लाइटली छोटा लग रहा है कहीं ना कहीं, बट इशू नहीं आने वाला है इसके अंदर उतना, आप हैबिचुअल हो जाएंगे तो कोई इशू आएगा नहीं आपको। विजिबिलिटी की बात हुई है, इसके अंदर एक और अच्छा खासा फीचर दे रखा है ORVM पे, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम। आप देखेंगे तो अभी एक्टिवेटेड भी हो गया था, यहाँ पर आप देखेंगे तो थोड़ा सा ये देखिए एक्टिवेशन के साथ आ जाता है, और एक्यूरेसी बहुत बढ़िया है इसकी। तो विजिट की बात हो गई, उसके अलावा आप देखें तो ऊपर जो स्काई रूफ है इसकी, आप पीछे बैठेंगे तो पूरा इसका यूज करने वाले हैं यहाँ पर आप, क्योंकि इसके अंदर आपको कोई ऐसा लगने वाला नहीं है कि नहीं यार थोड़ी सी मेरी डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, मेरा व्यू डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। एक गाड़ी थी अभी जो लेटेस्ट आई है, उसके अंदर मैंने बैठ के देखा था पीछे, उसमें पैनोरामिक सनरूफ थी, बट मुझे उसकी उतनी खास लगी नहीं, उसकी पैनोरामिक सनरूफ मुझे अच्छी उतनी लगी नहीं, बट यहाँ पर वैसा इश्यू नहीं है। कौन सी गाड़ी है जरा कमेंट करके बताइए मैं किस गाड़ी के बारे में बात कर रहा हूँ। विजिबिलिटी काफी अच्छी है। इसके अलावा 360 डिग्री कैमरा भी इसके अंदर दिया गया है, वो हमें भूलना नहीं चाहिए, जिसकी क्वालिटी आप देखेंगे यहाँ पे सब ठीक ही हो जाती है। ये देखिए बर्ड व्यू, पूरा व्यू आ रहा है, साइड का पूरा नजारा मैं ले सकता हूँ इसके अंदर कि क्या है मेरे साइड में डेंस ट्रैफिक के अंदर भी। सो ये चीज काफी अच्छी हो जाती है। बात करेंगे आप इसकी एक ओवरऑल एक ब्रेकिंग की बात करेंगे, ब्रेकिंग बाइक मुझे देखिए जितनी मैंने गाड़ी को चलाया है, बहुत जबरदस्त ब्रेकिंग है इस गाड़ी की। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ऑटोमेटिक जो आपकी ब्रेकिंग है वो भी आपको यहाँ पे दे रखी है, मतलब कि ऑटोमेटिक ब्रेक असिस्ट इसके अंदर दे रखा है। एडस का फीचर, एडस लेवल 2.0 आप मान के चलिए, वो तो इसके अंदर दे रखा है। 11 से ऊपर इसके फीचर आ रहे हैं एडस के, मैं यहाँ पे पूरा मेंशन करता हूँ कि एडस के कौन से फीचर्स आएंगे। एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन की असिस्ट, लेन की अलर्ट, फ्रंट कोलिजन वार्निंग, जैसे देखिए लेन की असिस्ट अभी इसने यूज किया मेरा, मुझे ऑटोमेटिक बोला कि चलो भैया इस लेन में आप रहो। सो मैं चलिए इसकी बात मान के इसी लेन में चलता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे बात भी करनी है, डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहता मैं किसी का, ना अपना ना किसी और का। सो यहाँ पर सारे फीचर दे रखे एडस के। एक्यूरेसी में देखा जाए तो इमरजेंसी ब्रेकिंग जो है वो भी हमने टेस्ट की थी इसकी, सो उसमें भी गाड़ी ने काफी अच्छा काम किया था, बिल्कुल चिपक गई थी गाड़ी एक जगह पे। तो सो इसके एडस का अगर देखा जाए इंडिया के रोड कंडीशन के हिसाब से अच्छा है, नो इश्यू इन दैट। बात करेंगे इसकी पावर की, पावर डिलीवरी गाड़ी के काफी जबरदस्त है, 3 ड्राइव मोड्स के अंदर दिए गए हैं, इको, नॉर्मल, स्पोर्ट, तीनों। अगर आप देखेंगे गाड़ी को चला के आपको कहीं पे तो लथार्जी लगेगी नहीं, क्यों,
क्योंकि इसका जो टॉर्क है 310 Nm का, इसके अंदर जो टॉर्क दे रखा है 310 Nm का, आप चाहे इसका 160 bhp वाली गाड़ी लीजिए या 202 bhp वाली गाड़ी लीजिए, टॉर्क मिलेगा 310 Nm का और लो एंड टॉर्क डिलीवरी एक डीजल की गाड़ी की याद आपको दिला ही सकती है। इसके अंदर आप पूरा लोड भी भर के अगर चलाएंगे गाड़ी को तो आपको इश्यू नहीं आने वाला, कोई भी लोड का इश्यू आने वाला नहीं है। मतलब हल्का सा आप प्रेस करेंगे गाड़ी उठेगी। 202 bhp की गाड़ी की, ये अभी जो गाड़ी मैं चला रहा हूँ इसकी पावर 202 bhp ऑन पेपर अगर आप कैलकुलेट करते हैं इसको 1.34 के साथ, 202 bhp गाड़ी निकालेगी। 150 kW की इसके अंदर जो PMSM मोटर है वो दे रखी है, छोटी मोटर भी है इसके अंदर, वो बता सकते हैं आपको, मैं बता देता हूँ यहाँ पे उसकी पावर कितनी है, उसकी किलोवाट पावर कितनी है। रेंज उसकी कंपैरेटिवली कम होगी, इसकी रेंज 530 km क्लेम्ड है। उसके जो इसके जो बैटरी पैक दिया हुआ है, जिसका बैटरी पैक दिया गया है आप 71.4 kW का समथिंग बैटरी पैक दिया गया है, जो कि ब्लेड टेक्नोलॉजी है जो BYD की, आप जान के ताज्जुब करेंगे 1995 जब BYD कंपनी ने अपना काम शुरू किया था तो उन्होंने गाड़ी कोई नहीं बनाई थी, सबसे पहले वो लिथियम आयन के अंदर ही आए थे, उन्होंने बैटरी बनाने स्टार्ट किया था, तो उसके अंदर मास्टरी इन्होंने हासिल कर ली है बैटरी बनाने की। रेंज की बात करेंगे अगर बढ़िया ही रेंज हो जाती है इसकी, उसके अलावा बात करेंगे इसकी चार्जिंग की, तो 115 kW DC फास्ट चार्ज को ये सपोर्ट करेगी। पर्टिकुलर मॉडल जो आपका है 150 kW वाला जो पावर आउटपुट देता है आपको 202 bhp वाला, 115 kW की इसके अंदर आपको चार्जिंग कैपेसिटी, मतलब कि फास्ट चार्जिंग आपको ऑप्शन मिलेगा। और टाइमिंग कितनी लेगी सब गाड़ी में यहाँ पे आपको मेंशन कर देता हूँ, और जो आपकी गाड़ी है जैसे छोटा मॉडल जैसे बड़ा मॉडल कितना टाइम लेगी चार्जिंग में, होम चार्जिंग में या डीसी फास्ट चार्जिंग में, चाहे 7.7 kW का जो चार्जर आता है इसका बॉक्स चार्जर, उसके अंदर सब मेंशन कर देता हूँ, आप आराम से देख लीजिए और अपने हिसाब से अगर इस गाड़ी को लेते हैं उस हिसाब से आप इसको यूज कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम इस गाड़ी के रेंज के बारे में, तो देखिए रेंज 530 km की क्लेम्ड है, और अभी हमने जो गाड़ी चला ली है आपको दिखा देते हैं 2 मिनट जो इसकी जो ओवरऑल जो मैकेनिज्म है पूरा दिख जाएगा। 43% इसके अंदर बैटरी रह चुकी है, सुबह से हम चला रहे हैं चार्ज करके इस गाड़ी, 80 km हमने गाड़ी चला ली है और हर तरह से चलाई है, एसी हर समय ऑन है, पीछे भी आगे भी, और गाड़ी को हमने 100-120 भी दौड़ाई है, थोड़ा सा रेंज मतलब कि डाउन हो सकती है उसके अंदर, बट यहाँ पर आप इसको कैलकुलेट करके देखेंगे 280 km गाड़ी उससे ऊपर चल चुकी है, अप्रॉक्स 300 आप मान के तो चल ही सकते हैं, और 43% में आप कैलकुलेट करके देख लीजिए कि गाड़ी और कितनी चल सकती है जो 530 km की क्लेम रेंज है, हो सकता है 550 चल जाए, अगर लाइट फुटेड है 550 से ऊपर 650 भी चल सकती है, बट ये कहीं ना कहीं गाड़ी अगर ओवरऑल एक नटशेल निकाल के अगर आप आते हैं कि चलो आपने थोड़ी सी फास्ट चला ली, हार्स चला ली, 100-120 चला ली हाईवे पे, और आपको दिल्ली से जयपुर जाना है, देन आपको फिर वहाँ से थोड़ा सा अपना एक्सप्लोर करना है, काम करना है, देन मुझे नहीं लगता कि एक चार्ज पे भी आप इसको पूरा ख़त्म कर पाओगे, क्योंकि 500 किलोमीटर से लेके 525 किलोमीटर तो मुझे लग रहा है ये गाड़ी आपको एवरेज दे ही देगी मिक्स यूज़ के अंदर। अभी देखें तब टेम्परेचर देंगे तो 38-40 degrees के आसपास यहाँ पर टेम्परेचर दिख रहा है, और गाड़ी के अंदर हीट थोड़ी सी आ रही है, एक शिकायत है मुझे, क्योंकि हीट रेजिस्टेंट ग्लासेस के अंदर नहीं है, होते तो बहुत ही बेटर हो जाता। फिर भी इसी टेम्परेचर के अंदर इसका जो लिक्विड कूलिंग सिस्टम काफ़ी अच्छा काम कर रहा है बैटरी को ठंडे रखने का, यहीं से कहीं ना कहीं रेंज जो है ना गाड़ी की वो निकल के इतनी अच्छी आ रही है। सो मैं तो बहुत इंप्रेस हूँ इसकी रेंज के साथ, ओवरऑल एक हाई स्पीड स्टेबिलिटी की, देखिए गाड़ी काफ़ी बड़ी है, बॉडी रोल कितना है गाड़ी का वो भी बताएंगे, इनोवा क्रॉस जा रही है हमारे सामने से, बट यहाँ पर आप देखेंगे इस गाड़ी के बारे में बात करेंगे, हाई स्पीड स्टेबिलिटी गाड़ी की ठीक है अपने आप में, एक MPV के हिसाब से ठीक है। स्टीयरिंग रिस्पॉन्स आप देखेंगे तो हाई स्पीड के अंदर आप देखेंगे तो थोड़ा सा इसमें सेंसिटिवनेस तो आ ही जाता है, कोई आपको ऐसा डर लगने वाला नहीं कि नहीं यार मेरी गाड़ी इधर भाग रही है। लेन कीप असिस्ट इसके अंदर दिया गया है जो बढ़िया काम कर लेता है। उसके अलावा जो एक बॉडी रोल है गाड़ी का हल्का फुल्का झूलती है गाड़ी, अगर आप थोड़ा सा सडन इसको कट करते हैं या तीखे मोड़ करते स्लाइटली हैं, उतना भी ज़्यादा नहीं है कि आप परेशान हो जाए, गिर जाए या उधर फान जाए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इसके अंदर काफ़ी चीज़ वेल कंटेंट की गई है, और कहीं ना कहीं इसका श्रेय जाता है इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस गाड़ी की है, फ्लोर हम थोड़ा सा उठा हुआ है, इसकी बैटरी पैक जो है आपका वो सेंटर में लगा हुआ है, और जो सस्पेंशन ट्यूनिंग है नो डाउट बहुत बढ़िया है इसकी सस्पेंशन ट्यूनिंग, आप देखिए तो बहुत ज़्यादा ना सॉफ्टर साइड ना हार्डर साइड, कि आपको नहीं यार रंबल स्ट्रिप पे निकल रहे हो, गड्ढों में निकल रहे हो, या आप टूटे रोडों पे जा रहे हो, आपको हार्ड सस्पेंशन वाली जो फीलिंग आएगी ना जैसे कि कमर में दर्द हो जाता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला। उसके अलावा उतना सॉफ्ट भी नहीं है ना उतना हार्ड है, बिल्कुल बैलेंस्ड एक लग रहा है मुझे इसका सस्पेंशन, कि नहीं यार आप इसमें जो 530 किलोमीटर की जो रेंज दे रखी है
कम से कम 400 किलोमीटर तो चला ही सकते हो आराम से इसको। आराम की बात हुई तो एनविच की बात कर लें थोड़ा सा। बेसिकली क्या हो जाती है, गाड़ी है इलेक्ट्रिक, इसके अंदर कोई आईसी इंजन जैसी खड़खड़ फड़फड़ नहीं होती, कोई इसके अंदर आवाज़ नहीं आती, कंबंशन की कोई आवाज़ नहीं आती, होती नहीं वो सब चीज़ें। पार्ट्स उतने काम नहीं करते इंजन के, ट्रांसमिशन के इसके अंदर उतने काम नहीं करते एज कम्पेयर टू आईसी। वहाँ पर आपको शांति मिलेगी इंजन की, वो तो इसके अंदर मिलेगी, बट टायर नॉइज़ का क्या? देखिए टायर नॉइज़ इस गाड़ी के अंदर उतनी नहीं आती। सरप्राइजिंगली मैंने एक और ईवी चलाई थी बीच में अभी, उसके अंदर बहुत टायर नॉइज़ थी, बट अभी देखिए जो एश फेल्ट है यहाँ पे, थोड़ा सा बजरी सा एश फेल्ट है यहाँ पे जो रोड पे बिछा हुआ, बट फिर भी टायर नॉइज़ उतने नहीं आ रहे हैं, जो काफ़ी अच्छी चीज़ हो जाती है। कैबिन इंसुलेशन ये देखिए उस रोड से हटे बिल्कुल शांत, कोई भी रोड नॉइज़ नहीं, ना कोई आपको विंड नॉइज़ आ रही है कहीं से। कम स्पीड में तो नहीं आ रही, अब तेज स्पीड में आप 100-120 चलाएंगे तो वहाँ पे शायद हल्की फुल्की आपको विंड नॉइज़ परेशान कर सकती है, बट आप उसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, परेशानी आएगी नहीं आपको। हम कर रहे थे गाड़ी के स्टेबिलिटी के बारे में बात, और वहाँ पर कहीं ना कहीं एक जो टायर हैं और ग्राउंड क्लियरेंस है उसका बहुत बड़ा रोल हो जाता है। 170 mm से ऊपर किसके अंदर ग्राउंड क्लियरेंस है, टायर के प्रोफाइल में पूरी मेंशन कर देता हूँ यहाँ पर कितनी है, वो भी कितनी है, उसके हिसाब से भी गाड़ी जो एक परफॉर्मेंस देती है सस्पेंशन ऐसा सस्पेंशन, क्योंकि आपको पता ही है जो सेक्शन होती है हमारी साइड वॉल कहीं ना कहीं सस्पेंशन का ही काम करती है टायर का, तो वो भी काफ़ी अच्छा है इस गाड़ी का। और ओवरऑल जो मिक्स एक सस्पेंशन ट्यूनिंग बन जाती है पूरी इस गाड़ी की, वो तो बनी जाती है। उसके अलावा लेन के असिस्ट बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, हल्की सी भी इधर उधर अगर गाड़ी जा रही है तो असिस्ट कर रहा है उसके अंदर। बात करेंगे इसके स्टीयरिंग की, अब देखिए थोड़ा सा सिटी के अंदर चला रहे हम तो इसका स्टीयरिंग रिस्पॉन्स कैसा है बताता हूँ मैं आपको। ये देखिए मुझे लेना है यहाँ से यू टर्न इस लाल बत्ती से, तो बताता हूँ मैं आपको वो है कैसा। यहाँ पे देखिए, देखिए बात करेंगे इस गाड़ी की चलाने की, इतनी बड़ी गाड़ी है, इतना ज़्यादा ट्रैफिक है, चलाने में ईस्ट टू यूज़ कितनी है गाड़ी, बहुत ज़्यादा। स्टीयरिंग बहुत लाइट है लो स्पीड पे, हाई स्पीड पे पूरा साथ देता है। लेन की असिस्ट 24 घंटे काम करती है इसकी, चाहे आप इसका आइडियस ऑन करो ऑफ करो चलता रहेगा। यहाँ पर देखिए कंजप्शन कर्व दिखा देता हूँ आपको, कंजप्शन कितनी हो रही है एनर्जी मैनेजर पे देख सकते हैं आप, ये देखिए। और इसकी ब्रेकिंग काफ़ी मुझे इंप्रेस कर रही है, चारों के चारों डिस्क ब्रेक इसके अंदर हैं, और रीजन भी इसके अंदर दो मोड दे रखे हैं आपके यू टर्न यहाँ पे। ये देखिए गाड़ी कितनी बड़ी है, फिर भी देखिए यू टर्न काटने में कोई इशू नहीं है। 4.7 मीटर से ज़्यादा लेंथ की गाड़ी है, तो सेंटर भी गाड़ी के स्टीयरिंग का सही से आ गया है, कोई आपको ऐसा लगेगा नहीं यार बड़ी गाड़ी चला रही, छोटी गाड़ी आप चलाओगे ना वैसे इसके अंदर कहीं ना कहीं फील आ रहा है। सो दोस्तों ये था मेरा कुछ एक कंक्लूजन इस गाड़ी के बारे में, कैसा लगा आपको बताइएगा। BYD E-Max 7 अगर आप लेना चाहते हैं तो बिल्कुल आप ले सकते हैं, और इसका एक कंक्लूजन मैं दूंगा आपको नीचे जाके, तब तक के लिए बने रहे। सो दोस्तों ये था मेरी तरफ से आपके लिए इस गाड़ी का, यानी कि इस MPV का, इंडिया की पहली इलेक्ट्रिक MPV का BYD Max 7 का एक ड्राइविंग इंप्रेशन आप कह सकते हो। रिव्यू के लिए मैं गाड़ी चाहूंगा BYD से लेने के लिए अच्छे खासे टाइम के लिए, छोड़ इस बात को, बट इस गाड़ी को क्या मैंने एक्सपीरियंस किया बताता हूँ आपको, सारी चीज़ें बता दी हैं। अब यहाँ पर एक नटशेल निकल के आता है कि एक्चुअली ये गाड़ी किसको लेनी चाहिए, फ्लीट ऑनर्स ले सकते हैं, जो बिल्कुल प्रीमियम फ्लीट ऑनर ले सकते हैं, क्योंकि इसकी प्राइस हो जाती है 26,90,000 से स्टार्ट और कहीं 29,90,000 तक एंड हो जाती है, आप कहीं भी लीजिए बिल्कुल इसको कंसिडर कर सकते हैं एक प्लश गाड़ी MPV अगर लेना चाहेंगे। अगर आप किसी भी व्यवसाय से जुड़े हैं, किसी बिजनेस से जुड़े हुए हैं और चाहते हैं आप इस गाड़ी को अपने फ्लीट में ऑन करना या एक पर्सनल एक शॉफर ड्राइविन गाड़ी लेने के लिए, तो इससे बढ़िया शायद ही ऑप्शन आपको दूसरे मिले। क्यों? क्योंकि इसकी जो क्लेम रेंज 530 किलोमीटर है और गाड़ी को 450 किलोमीटर से ऊपर हमने चलाया हुआ है, अभी भी काफ़ी जूस बचा है गाड़ी के अंदर। और उसके अलावा रनिंग कॉस्ट आपको कहीं ना कहीं अगर देखा जाए दिल्ली और UP के अंदर और हरियाणा के अंदर, आपको कहीं ना कहीं इसकी 7 से 8 रुपये यूनिट कहीं ना कहीं पड़ जाती है, 7.7 किलो वाट की अगर बात करता हूँ मैं तो इतनी पड़ जाती है, तो आपकी रनिंग कॉस्ट गाड़ी की जो आएगी 1 से 1.5 रुपये किलोमीटर के आसपास आनी चाहिए, मोटा मोटा मैं कह रहा हूँ, हालांकि कंपनी तो कुछ और क्लेम करती है, बट मैं अपना एक्सपीरियंस कह रहा हूँ 1 से 1.5 रुपये पर किलोमीटर का आपको रनिंग कॉस्ट पड़ेगा। और इस गाड़ी को कहाँ बुक करनी है, उसके लिए आपको लैंडमार्क BYD शोरूम आप आ सकते हैं, चाहे दिल्ली चाहे आप हरियाणा चाहे आप नोएडा से है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पर इसको कॉन्टैक्ट करके बुक कर सकते हैं, टेस्ट ड्राइव ले सकते हैं और अपना बना सकते हैं BYD E-Max 7 को। सो दोस्तों मैं लूंगा अगली वीडियो तक के लिए विदा, जय हिंद, मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों मिलेंगे नई वीडियो, ड्राइव सेफ, टेक केयर एंड।